हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएवी द फूड ब्लॉगर्स। यहाँ आपको मिलेंगे फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग्स। तो आज मैं बनाने वाली हूँ यूपी वालों का फेमस हींग का अचार, जिसके लिए मैं लूँगी बढ़िया मोटी मोटी आंबी, क्योंकि आंबी का सीज़न चल रहा है। तो कच्ची आमी, कैरी जिसको बोलते हैं, कच्चा आम, वो आपको लेना है। और उसके बाद इसको अच्छे से धोने के बाद आप इसको छील लेना, और छील के फिर इसको थोड़ा थोड़ा, मतलब जिस भी शेप में आपको काटना है, वैसे तो इसको नॉर्मल शेप में ही काटते हैं, कोई ऐसा कोई इसके लिए कोई टेक्निक नहीं है, नॉर्मल आप कट कर लीजिए धो के अच्छे से साफ़ सुथरा करके, क्योंकि हमें इसको सुखाना पड़ता है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना होता, ओवर ड्राई नहीं करना होता, नॉर्मल थोड़ा सा पेपर पे या टिश्यू पेपर वगैरह पे रख दो एक दिन के लिए कम से कम, सो दैट ही थोड़ा थोड़ा सूख जाए। और हाँ, सुखाने से पहले ना इसको आप इसमें ना आप नमक डालोगे। नमक से क्या होता है ना, ये अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। और इसको ना बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ तो इसको बोलते हैं चराना। तो नमक से चराने के बाद ये कुछ इस तरीके से शेप चेंज कर लेती है, अपना कलर चेंज कर लेती हैं। और मैं अब इसको एक अच्छे से बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ, क्योंकि अब हम आगे की प्रिपरेशंस करते हैं। तो ये ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसमें डालूँगी खूब सारी मिर्ची, और उसके बाद नमक तो मैंने जैसे कि डाल ही दिया था पहले, अब इसमें हम डालेंगे भर के हींग। कम से कम एक चम्मच हींग आप डाल सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। इट जस्ट दैट कि अगर आप 2 किलो आमी ले रहे हैं तो एक चम्मच हींग तो कुछ भी नहीं है, आप डालिए आराम से। और उसके बाद थोड़ा सा नमक और डाल दीजिए, क्योंकि ना ये अचार बहुत ही अच्छा रेडी होता है, तो आप इसको अच्छे से चला लो। और इस अचार के फ़ायदे पता है, मैं आपको बताऊँ, अगर आप सांभर बना रहे हैं, तुअर दाल बना रहे हैं, या कोई भी दाल बना रहे हैं ना, तो अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप इसको डाल दीजिए, इस अचार को एक फाक लीजिए और उस दाल में डाल दीजिए, दाल का जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल एनहांस हो जाएंगे। तो ये अब मिक्स करने के बाद ना मैं इसको एक कांच के जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और कम से कम एक हफ्ता, और यू कैन से 3 से 4 दिन भी आप रख सकते हैं। 3 से 4 दिन के बाद ही हो जाता है वैसे तो, अगर आप चाहें तो अभी भी खा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, बट हाँ सॉफ्ट होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 3 से 4 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 1 वीक। और इसको रख दें अच्छे से, और देखो इस तरीके से ना भर दो इसको अच्छे से। और फिर बाद में ना, जैसे कि ये सब पूरा फिल हो गया, उसके बाद भी अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हींग और, क्योंकि हींग का ही टेस्ट आता है, हींग का ही अचार है। तो बस अब इसको बंद करके अच्छे से हिला लें 360 डिग्री में, पूरा इस जार को उथल पुथल कर दें और फिर इसको रख दें। तो 3-4 दिन बाद आप इसे चेक करेंगे, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और खाने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा। तो चलो देखो ये कैसा अचार रेडी हुआ है। तो आफ्टर 3-4 डेज़ मैंने इस अचार को खोला और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। चावलों के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। दाल चावल आप बना रहे हैं तो बिल्कुल खाइए, दाल बना रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। और चलो देखो, अगर मुंह में पानी आ रहा है ना तो एक लाइक तो बनता है। पर हाँ, आई वुड एक्चुअली रिक्वेस्ट यू कि आप पहले इस रेसिपी को ट्राई करो, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब तभी करना, और अच्छा लगे तो वैसे ही कर देना यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।